हरि ओम। प्रिय दर्शकों, यदि आपके वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में इन 69 दिनों में ये जो चमत्कार होने वाला है, क्या चमत्कार होगा और उसका लाभ क्या आपको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इसमें कुछ स्थितियाँ हैं, गृह स्थितियाँ हैं, यदि ऐसी स्थितियाँ होंगी तो उसका लाभ मिलेगा, तो ये भी हम जानेंगे। और क्यों इसका लाभ आपको मिलने वाला, क्यों चमत्कार हो सकता है, क्या हो सकता है, ये समझते हैं। फिर दर्शकों, 13 जून से लेके जुलाई और अगस्त, 20 अगस्त तक का समय होगा जिसके बीच में ये चमत्कार की स्थिति बन सकती है। क्या लाभ मिलेगा ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। आपके जीवन में यदि आप दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, या किसी भी तरह, चाहे आप अलगाव की स्थिति में हो, डिवोर्स की स्थिति में हो, वाद विवाद हो, या अक्सर कुछ ऐसे दाम्पत्य होते हैं, अब जैसे किसी की कुंडली मंगली हो, या दाम्पत्य भाव पीड़ित हो, या दाम्पत्य भाव का अधिपति पीड़ित हो, या दाम्पत्य भाव में कोई पापक ग्रह की दृष्टि हो, या शनि राहु जैसे विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि हो, या इसी किसी तरह संबंध जो सप्तमेश है उसका संबंध किसी तरह शनि जैसे अन्य ग्रहों से यदि बन रहा हो, तो समस्याएं देखी जाती हैं, कई कारण होते हैं। तो यदि दाम्पत्य जीवन किसी भी तरह आपका पीड़ित है तो आप इस समय लाभ इसका उठा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अब जो है तो आप प्रयास करेंगे तो जो समस्या है, जो वाद विवाद है, वो दूर हो सकता है। या आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत लाभ की स्थिति देखी जा सकती है, खासकर जो सोने का व्यापार करते हैं, चांदी का व्यापार करते हैं, या होटल इंडस्ट्री में हैं, या आप डेयरी उद्योग में हैं, या सफ़ेद वस्त्रों का व्यापार करते हैं, या पढ़ाई लिखाई से संबंधित जैसे आप का क्लासेस चलता है, या आपकी स्कूल है, या आप पढ़ाते हैं, टीचर हैं, या कहीं कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ एडवाइजी मतलब किसी को सलाह दे रहे हैं। अब सलाह देने का काम बहुत तरह का होता है। अब जैसे कोई कंपनी में आप हैं, वहाँ पर आपका काम है लोगों को सलाह देना, या आप पर्सनल, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सलाह देते हैं, एडवाइजरी करते हैं, तो ऐसे भी लोग, अब जैसे इसमें वकील भी आ जाएंगे, इसमें जज भी आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो किसी न किसी को कोई किसी न किसी तरह सलाह दे रहे हैं। इसमें मोटिवेशनल स्पीकर भी आ जाएंगे, तो ऐसे लोगों को इस समय विशेष लाभ मिल सकता है। यानी कहा जाए कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जितने भी व्यापार हैं या कार्य क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित यदि आप काम करते हैं, खासकर आप व्यापारी हैं, तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए कि आप यदि व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, तो भी पार्टनरशिप में भी व्यापार का लाभ आपको मिल सकता है। आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, पर सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो इस समय ये सफलताएं भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। मानसिक तनाव में कमी देखने को मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, विपरीत का सम्मान सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु इसके पीछे क्या कारण है ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, 1 मई को देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था, वृषभ राशि शुक्र की राशि में परिवर्तन किए थे, वृषभ राशि में गोचर कर रहे इस समय भी, परंतु फिर 7 मई को अस्त हुए, 1 जून को उदय हुए, अब 13 जून को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन, रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और जून जुलाई और 20 अगस्त तक यहाँ पर गोचर करेंगे। तो ये समय होगा जिस समय आप जो है तो कोई भी, जो मैंने बताया इससे संबंधित कोई भी आपको बेनिफिट लेना है तो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और किसको लाभ मिलेगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले आपकी राशि है वृश्चिक राशि है या लग्न है, परंतु लाभ आपको ज़्यादा मिलने की संभावनाएं तब होंगी यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति है। इसे गज केसरी योग कहा जाता है और ये बड़े राजयोगों में से एक राजयोग है, और या तो चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध है, या चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बली अवस्था में है, चाहे षट बल की बात करें, चाहे अंश बल की बात करें,
चाहे संबंधों की बात करें, अब संबंधों की हम बात करें, जैसे संबंध अब पांच नौ का है, मतलब नवम पंचम योग बना हुआ है, ऐसे कई तरह के केंद्र का संबंध है, तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। या देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में आपकी जन्म कुंडली में भी हैं, तो भी इसका लाभ आपको मिल सकता है। या महादशा में देवगुरु बृहस्पति है, अंतरदशा में चंद्रमा है, या चंद्रमा महादशा में है, अंतरदशा में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यदि ये स्थितियां किसी के कुंडली में नहीं है तो उसको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा, परंतु ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं इन लोगों को देखी जा सकती हैं। तो अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करें, तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं। उपाय की बात करें तो उपाय अपनी कुंडली के अनुसार जो भी आपको स्थितियाँ दिखें तो करना चाहिए। या तो आप धर्म से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको लाभ मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।